मिर्जापुर में एक सरकारी डॉक्टर का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद से ही आरोपी डॉक्टर और फार्मासिस्ट फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया। रोड पे जा रहे थे तभी संतोष ने हमें बुलाया और कहा कि तुम्हें सर बुला रहे हैं, तभी हम गए तो उन्होंने दवा के बहाने हमें बुलाया और हम अपने घर से बाहर जलीमपुर जा रहे थे तो संतोष ने मुझे बुलाया, कहा तुम्हें सर बुला रहे हैं, तो हमने कहा क्यों बुला रहे हैं, तभी कहा कि पहुँच हो जाके, तभी हम गए तो उन्होंने कहा चलो आओ तुम्हारा बीपी चेक कर दें, उन्होंने कहा मेरा मुँह कड़वा रहता है तो पहले आओ बुखार की भी दवाई दे देंगे, तो इन्होंने बीपी चेक किया, बोले चाबी ले आए तभी दवाई दे देंगे, चाबी चली लाए तभी उन्होंने आकर गेट बंद कर लिया, बोले कि कपड़े उतार दो, तभी हमने कहा कपड़े नहीं उतारेंगे, तभी संतोष ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। डॉक्टर नरेंद्र यादव तब तक परिवार वाले वहाँ पहुँच चुके थे। देखिए थाना मिर्जापुर क्षेत्र में जो CHC है वहाँ के एक डॉक्टर द्वारा एक लड़की के साथ रेप की बात जानकारी में आई है। सूचना पर तुरंत ही थाना मिर्जापुर पर जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान महिला का बयान लिया गया है और मेडिकल के लिए उसको भेजा गया है। पूरे साक्ष इकट्ठे किए जा रहे हैं और शीघ्र ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें और किन किन धाराओं में? तहरीर दी है उसमें 376 IPC के अंतर्गत दो अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। एक का नाम सहयोग करने में बताया गया है। पूरी छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी।